नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूं कि जो ये मॉडल MC246 डिजिटल थर्मोमीटर है ओमरोन का बेसिकली, उसका जो यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, जो मेजरमेंट का, अगर आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं ऑन करता हूं तो ये अभी दिखा रहा है, जो अभी ये सेल्सियस में है और ये एक बाई डिफॉल्ट टेम्परेचर दिखा रहा है। इसको अगर ये सी जब ब्लिंक करता होता है तब राइट टाइम होता है, सी अगर यहाँ पे फरनेट भी होगा तो वो राइट टाइम होगा इसको मेजरमेंट को मतलब कलेक्ट करने के लिए। तो आज हम से देखेंगे कि इसको चेंज कैसे किया जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको याद रहे दोस्तों, इसको ये जो ऑफ पोजीशन में होना चाहिए, या तो 10 सेकंड वेट कर लीजिए अपने आप ऑफ हो जाएगा, नहीं तो इसको हमेशा ऑफ पोजिशन में, अगर आपको ये ऑन पोजिशन में हुआ तब आप इसकी जो स्केल है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे सेल्सियस से फारेनहाइट में या फारेनहाइट से सेल्सियस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि ये 2 साल पुराना थर्मोमीटर है और अभी मेरे को नहीं लगता अभी इसमें कुछ ये वाले एरर हुए हैं, जब मेरा दिल करे मैंने इसको चेंज कर लिया है। तो अभी ये बंद है और हम इसको जो ये बटन है इसको थोड़ा मतलब ये हार्ड प्रेस होता है, अगर आप इसको लाइटली प्रेस करेंगे तो ये मतलब अनप्रेस हो जाएगा और जो यूनिट होगी वो चेंज नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा हार्डली इसको प्रेस करना है और 5 से 7 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। अभी देखिए दबाते ही ये ऑन हो गया और लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो सी आ गया, सेल्सियस जो दिखा रहा था ये अनप्रेस हो गया मेरे से गलती से। तो इसको दोबारा प्रेस करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये सी के बाद ये लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और बीप की आवाज़ आएगी और ये चेंज हो चुका है और ये फारेनहाइट में अब चेंज होगा। जब इसको अगर ऑन करेंगे हम तो ये फारेनहाइट में डिस्प्ले आ गया और जो बाय डिफॉल्ट जो फारेनहाइट का जो होता है रूम टेम्परेचर, आप जिसको कह सकते हो 98.6 आ गया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको दोबारा से चेंज कर देते हैं सेल्सियस में। तो ये ऑफ पोजीशन में आ गया है और हम दोबारा से इसको 5 से 7 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एफ से ये सी में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने थर्मोमीटर को इजीली इस जो अगर ये ओमरोन है तो आप इसको चेंज कर पा रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।